पांवटा साहिब में वन विभाग ने अवैध वन माफिया पर बड़ी कार्रवाई करते हुए खैर की लकड़ी से लदी एक पिकअप पकड़ी है। पिकअप में खैर के करीब 57 नग पाए गए हैं, जिनकी कीमत 2.5 लाख रुपए आंकी गई है। विभाग ने गाड़ी और लकड़ी को कब्जे में लेकर पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया है। हालांकि चालक मौके से फरार होने में कामयाब रहा। टीम ने 6:30 बजे के करीब सूरजपुर बीट में नाका लगाया हुआ था, वहाँ पर एक गाड़ी को चेकिंग के लिए रोका। इस गाड़ी का ड्राइवर जो है हड़बड़ी में गाड़ी छोड़कर भाग गया, और उसके बाद गाड़ी को चेक करने के बाद इसमें 57 नग खैर के बरामद हुए हैं, और जिसमें कि 1.770 MQ लकड़ी बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 2,60,000 पाई गई है। और इसका मामला जो है वन अधिनियम 41-42 और भारतीय दंड संहिता 379 के तहत मामला पुलिस थाना माजरा में दर्ज करवा दिया गया है, और लकड़ी की जांच जारी है कि यह कहां से काटी गई। इसमें अभी कुछ भी पता नहीं चल पाया है, और ये अभी पुलिस के अंतर्गत मामला जांच के अधीन है और इसकी जांच की जा रही है। इसमें हैमर लगे हुए तो ये इसमें 20 नगों में जो है ना HL के हैमर पाए गए हैं, और 37 नग जो है विदाउट HL मार्का के हैं।